हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा पराठा। जिन लोगों को देसी घी काफ़ी पसंद है उन लोगों को ये वाली पराठा काफ़ी पसंद आएगी, और जिन लोगों को देसी घी नहीं पसंद है वो लोग देसी घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल में ये बना सकते हो। और ये वाली पराठा काफ़ी स्मूथ होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो फिर चलिए बनाते हैं। और हाँ, बनाने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और ये 2 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, बहुत ही इजी है। तो फिर चलिए बनाते हैं। और मेरी एक उड़िया में चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहो तो उड़िया में बहुत सारे ऑथेंटिक उड़ियाज खाना मैं पोस्ट करूंगी, और कुछ ऑथेंटिक खाने में पोस्ट की हूँ तो आप लोग वो देख सकते हो। देखिए मैं आप यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी ही पतला है, और एक एक लेयर उसकी पूरा अच्छे से निकल रही है और बहुत सॉफ्ट भी लगता है खाने में। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, एक आटा मैदा, आप किसी से भी बना सकते हो पर आटा वाला हेल्दी होता है इसलिए मैं आटा ही चूज़ की हूँ। यहाँ पर एक आटा का डो बनाना है, उसमें से हम जैसे रोटी बनाते हैं इतना थिक करके, वैसे ही हमको इसको अच्छे से बेल लेना है वही आटे की मदद से। और मैं इसमें अभी डाल रही हूँ देसी घी, और जिन लोगों को देसी घी अच्छी नहीं लगती है वो लोग रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो आपको पसंद हो आप खाते हो वो वाला ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ देसी घी यूज़ कर रही हूँ। और डालने के बाद घी हम क्या करेंगे, उसको इस तरह से हाथ से या फिर चम्मच से चारों तरफ, मतलब ये रोटी के पूरा ऊपरी हिस्से में ऐसे करके स्प्रेड कर देना है। देखिए पूरा अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर देना है, पूरा रोटी के ऊपर लगाना है अच्छे से। देखिए मैंने चारों तरफ स्प्रेड कर दिया, ये गलती से मेरा हाथ लग गया उसमें। अभी क्या करना है, इसको पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, मेरे हाथ में वो घी लग गया है गलती से। तो अभी क्या करना है, इसको इस तरह से पीछे की ओर फोल्ड करते करते जाना है, इस तरह से। देखिए ऐसे करना है, हम जैसे बचपन में अगर गर्मी लगती थी तो कागज़ का पंखा बनाते थे उसी तरह से ही ऐसे इस तरह से पीछे की ओर करते जाना है। मैं एक हाथ से कर रही हूँ, आप दो हाथ से अच्छे से और अच्छे से कर पाओगे। ऐसे ऐसे पीछे की ओर फोल्ड करते हुए हम पूरा रोटी जो है उसको फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और एक बार पीछे की तरफ करेंगे, देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। मैं तो एक हाथ से कर रही हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, आप दो हाथ से करोगे अब बहुत आपका तो बहुत ही अच्छा साइज से बनेगा इस तरह से। और ये वाली जो पराठा है ना, सिर्फ सच में 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। अभी ये हाँ, इसको ऐसे मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए इस तरह से कर देना, फिर क्या करना है और कुछ नहीं करना, इसको ऐसे सामने की तरफ से ऐसे करके अंदर की ओर फोल्ड करना है पूरा ऐसे ही, कुछ नहीं बस फोल्ड कर दीजिए। और ये जो लास्ट में जो बचा है ना, ये निकल रहा है, उसको हम क्या करेंगे पीछे की तरफ लेके इस तरह से बीच में ही उसको इसको ऐसे करके सेट कर लेंगे। फिर आप ऊपर से बेल सकते हो या फिर आप नीचे से बेल सकते हो, आपको जहाँ से भी मतलब अच्छी लगे आप ऊपर से। देखिए खुल, इसको क्या करेंगे हम पीछे की तरफ जो बीच में वहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। नहीं अभी जॉइंट करने के बाद ऊपर से ही आप बेल लीजिएगा या फिर पीछे से, आपको जहाँ से भी अच्छा लगे, बस थोड़ा प्रेस करके उसको अच्छे से जॉइंट कर दीजिएगा। मैं एक हाथ से, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोनों हाथ से उसको बेल ली, देखिए इतना ही ठीक रखी हूँ मैं। अभी मैं और थोड़ी बेल लेती हूँ इसे, देखिए अभी काफ़ी, देखिए अभी से निकल रहा है इसके लेयर्स, देख रहे काफ़ी अच्छा लेयर्स आएगी इसमें। अभी इसको हम हाथ से उठा के पैन पे डालेंगे। अभी क्या करेंगे, तवा रख लेंगे, उसको गर्म होने रखेंगे, बस मीडियम फ्लेम में ही रखना है। और अभी हाथ से उठा के इस तरह से डालना है तवे पे, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया है, हम घी से बना रहे हैं तो इसके ऊपर हम थोड़ी गर्म हो जाने के बाद ये उसके ऊपर हम घी डालेंगे। देखिए ये
बहुत जल्दी बन जाता है। इस तरह से थोड़ी साइज कर देंगे। मैं चम्मच की मदद से कर रही हूँ, इस वजह से ऐसा हुआ। आप लोग वो जो नहीं आता, क्या बोलते हैं उसको, चट्टू या फिर कुछ बोलते हैं, उसी से आप कर सकते हो, बहुत इजीली उठ जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ घी, और घी डालने के बाद इसको इस तरह से मुझे, मैं चारों तरफ फैला रही हूँ। अभी फिर दूसरी तरफ करेंगे इसको, और फिर हम उसमें डालेंगे घी। ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल वैसे ही है। देखिए, और ये जो पराठा है बहुत जल्दी बनता है। इसकी दूसरी तरफ मैंने कर दिया इसको, अभी मैं दूसरी तरफ भी डाल रही हूँ घी, और डाल के इसको मिला रही हूँ। अभी ये अच्छे से बन के रेडी हो रहा है, बस थोड़ी देर में उसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए, अभी ये बिल्कुल दोनों तरफ से अच्छे से सेक के रेडी हो गया। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, और प्लेट में निकालने के बाद इसके ऊपर हम घी डालेंगे, और फिर घी डाल के गर्मा गर्म ही इसके ऊपर हमें घी डालना है, और घी डाल के इस तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। अभी क्या करना है, आपको जितनी घी चाहिए आप लोग डालिए। तो फिर घी या फिर तेल आप डाल सकते हो। अभी देखिए, इसको ये काफ़ी गर्म है, इसको ना हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा स्क्वीज कर देना, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट बन जाए और खाने में भी अच्छा लगे, उसकी लेयर सारे खुल जाए। काफ़ी अच्छी दिख रही है। और आप इसको कोई भी चटनी, दाल मखनी या फिर कुछ नहीं, या अगर आपको आपके यहाँ मेरे जैसा, मतलब अभी कुछ दाल मखनी या फिर कोई भी सब्जी नहीं बनी है या फिर कुछ चटनी नहीं है, तो आप सिंपल मेरे जैसा टमाटो सॉस के साथ खा लीजिए, जैसे कि मैं खा रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। आप लोग भी बनाइए और फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।